थैंक यू पोजी। अभी हमने जो केस बात करी थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों तो उस केस में हम कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल कैपेसिटेंस से निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन हियर विद इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। तो थोड़ा सा डिफरेंट केस है क्योंकि यहाँ डायलैक्ट्रिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इट सेज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड एन सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। यानी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और उनका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक सी है और एक यहाँ पे एन सी है। तो इसका हम सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस विच इज सी इंटू एन प्लस वन एंड दिस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। तो इट विल रिसीव अ चार्ज और इट इज सेइंग द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज, द बैटरी इज रिमूव्ड। चार्ज करके बैटरी रिमूव कर दी तो इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू और माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू ले सकते हैं, जहाँ पे क्यू वन होगा सी वी और क्यू टू होगा एन सी वी, क्योंकि इसके अक्रॉस बैटरी जुड़ी है तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस वी आएगा। तो क्यू वन चार्ज इज सी वी, क्यू टू इज एन सी वी। नाउ अब बैटरी हटा दी तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैन बी गिवन एज एन प्लस वन इंटू सी वी। अब ये चार्ज फिक्स हो गया क्योंकि बैटरी हटा दी गई है। नाउ क्वेश्चन सेज अ डायलैक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। यानी यहाँ से एक डायलैक्ट्रिक लेके आए और इसके अंदर इंसर्ट कर दें। सो जैसे ही आप डायलैक्ट्रिक डालेंगे सी की कैपेसिटेंस हो जाएगी के सी बिकॉज इट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज के। नाउ इट इज आस्किंग द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी न्यू शुड बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट वेयर क्यू वाज दिस, क्योंकि बैटरी हट चुकी है तो चार्ज चेंज होगा नहीं, दिस एन प्लस वन सी वी और सी इक्विवेलेंट विल बी के सी प्लस एन सी। सो दिस विल बी के प्लस एन इन टू सी, सी गेट्स कैंसल्ड आउट एंड दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट लेट अस एनालाइज वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले जो केसेस हैं जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर हमको चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड फोकस्ड ऑन हैंडलिंग इन हैंडलिंग सच क्वेश्चंस। कनेक्शन ऑफ अ चार्ज एंड एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। कनेक्शन मतलब इनको पैरेलल में जोड़ा जा रहा है। 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो जब एक 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है तो 50 वोल्ट पे चार्ज किया तो इस पे चार्ज होगा 500 माइक्रोकुलम एंड माइनस 500 माइक्रोकुलम। दीज आर द चार्जेस ऑन दिस कैपेसिटर। आफ्टर रिमूविंग द सोर्स वोल्टेज, वोल्टेज हटा दिया चार्ज कांस्टेंट हो गया। इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम बिकम्स 20 वोल्ट। तो नया कैपेसिटर क्या था, लेट अस कंसीडर दिस सी और इसको पैरेलल में जोड़ दिया। तो सी सी बात है, अब सी इक्विवेलेंट हमारे पास हो गई 10 प्लस सी, चार्ज रहेगा 500। तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट। सो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू अस एज 20 व्हिच इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी। इफ वी सॉल्व दिस, दिस 200 प्लस 20 सी इज इक्वल्स टू 500, 20 सी इज इक्वल्स टू 300। सो द वैल्यू ऑफ सी वी आर गेटिंग इज 30 बाय 2 इज 15 माइक्रोफेरेड। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Thank you, Poji. So there's another case of nodal analysis. We'll talk upon the distribution of charge in a capacitive circuit. So it is simply asking the charge on 5 microfarad capacitor. Jab is tarah ke question ho, to that will consider as a steady state charge. So in this question, we can directly write if this 2 microfarad capacitor, then it is connected to 4 microfarad and there are two batteries of 6 volt each. And there is another 5 microfarad capacitor connected over here. Similar question I have already taken in concert videos, you can recall. And it is asking charge on 5 microfarad capacitor we want to calculate. So, here the potential 0 le lete hain, idhar 6 volt le lete hain. Here it is minus 6 volt. Here, let us take potential to be x. And if we write nodal equation for x, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, इन तीनों प्लेट्स के चार्जेस का सम हमको जीरो करना है। दिस 4 into x minus 6 plus 5x plus 2 into x plus 6 should be equal to 0. Simplify करेंगे, 5 plus 2, 7 plus 4, 11x is equals to this 24 plus 12. So this will be 34. So the value we are getting is, this will be 20 minus 24 plus 12. So this comes out to be 12. So the value of x we are getting is 12 by 11 volt.
So charge on 5 microfarad capacitor can be given as directly 5 multiplied by 12 by 11. This is 60 by 11 microcoulomb. That's the answer to this question. Thank you, Poji. एक और केस है जिस पे इवन जी एडवांस तक में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स, मोर देन टू प्लेट्स अरेंज्ड विद सम कॉम्बिनेशन, लाइक यहाँ पे आप देखें एबीसीडी चार प्लेट्स दी हुई हैं और बी को डी से कनेक्ट किया गया है एंड एडजॉइनिंग प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो डी दिया गया है. क्वेश्चन सेज ईच प्लेट इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3/2 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन दिस फिगर एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड सी इज एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो वैल्यू ऑफ एक्स हमको निकालना है. So for any three plates, any four plates, here you can see, जब हम capacitance की बात करेंगे, चार capacitor हैं, तो they are forming three capacitors C, C, C. और plate A और C को open छोड़ा हुआ है, B को D से connect किया गया, like this. Now in this situation, अगर हम ध्यान से देखें, तो इसका equivalent combination बनाने के लिए हम तीन capacitor को एक के आगे एक draw करेंगे. Plates are A, B, C and D. B is connected to D and the C and A terminals are open. So, ये वाला C और C दोनों parallel में आ गए, in series with this C आ गया. So, आप ये कह सकते हैं, across terminal A, there is a capacitor C and then there are two capacitors C and C in parallel, this will be 2C and then here it is C. So, ये जो A और C terminals हैं, इनके across जो C equivalent आएगा, C, A, C, this comes out to be C and 2C का series combination, which is 2C by 3. और अक्रॉस टू प्लेट्स कैपेसिटर सी कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. सो हियर इट विल बी 2 बाई 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया कैन बी रिटन एज एल इन टू बी डिवाइडेड बाई डी. तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल इन टू बी बिकम्स 3. इन सेंटीमीटर वी आर यूजिंग द यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो विल यूज इट सेंटीमीटर. दिस 3 गेट्स कैंसल आउट, दिस कम्स आउट टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी. यहाँ पे x का वैल्यू विल टेक एज 2. दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम.